दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के दुश्मनों और दोस्तों के बारे में कि वो कौन सी राशियां हैं जिनसे जिनके जो जातक हैं वो कर्क राशि के दोस्त होते हैं और वो कौन सी राशियां हैं जिनके उनके जातक कर्क राशि के दुश्मन होते हैं। तो हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि आपको किन के साथ मित्रता रखनी चाहिए और किन को अवॉइड करना चाहिए, या फिर आप कोई अगर मित्रता करने जा रहे हैं किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ज्योतिषीय अगर इस सिस्टम को ध्यान रखेंगे कि कौन सी राशि आपसे कंपैटिबल है कौन सी नहीं है, तो आपको फ्यूचर में ज़्यादा पछताना नहीं पड़ेगा, आपके जो संबंध हैं वो अच्छे चलेंगे। हालाँकि कर्म ही प्रधान है तो आप सोच समझ के डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ, बट ये चूँकि ज्योतिषीय ज्ञान है ये भी आपको हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। ये समझने से पहले हम जरा ये भी समझ लेते हैं कि कर्क राशि के जातक खुद में कैसे हैं। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो यकीन मानिए आपकी पर्सनैलिटी लोगों को ज़रूर अट्रैक्ट करती होगी। कर्क राशि जल राशि है और कर्क पर चंद्रमा का हमेशा प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक स्टेबल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। आप अपने दोस्तों के लिए कंसर्न दिखाई देते हैं, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं और जो है कर्क राशि के जातकों को सॉफ्ट नेचर्ड लोगों को पसंद आते हैं। सॉफ्ट नेचर टाइप के लोग उनको चाहिए, उन्हीं से वो रिलेशन बनाना भी पसंद करते हैं। इन्हें ज़्यादा अग्रेसिव और एनर्जेटिक लोगों से रिलेशन बनाने से बचते हैं ये, और इन्हें बचना भी चाहिए। और आइए आपके लिए सबसे अच्छे दोस्त और सबसे अच्छे खराब मेल के बारे में बात करेंगे अब कि कौन आपके अच्छे दोस्त होते हैं कौन आपके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं जो दुश्मन की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों कर्क का जो तालमेल है, जो दोस्ती है, वो वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन के साथ बहुत अच्छी होती है। और क्यों होती हैं ये ज़रा दो दो लाइन में समझ लेते हैं सारी राशियों से, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा क्या है इन राशियों में जो आपसे मैच करता है। तो वृषभ, अगर हम वृषभ की बात करें तो वृषभ राशि के जातक कर्क के लिए सबसे अच्छे साथी हो सकते हैं। अगर आप इस राशि के जातक हैं तो दोनों में अच्छी निकटता आएगी, यानी कि अगर आप कर्क के हैं तो वृषभ के साथ में आपकी निकटता आएगी। इस राशि के जातक आपके साथ लॉयल होते हैं और आप उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। वृषभ के जातक आपके किसी भी नीड को आसानी से समझ लेंगे। आप दोनों बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, आप दोनों को ही अच्छे घर, बढ़िया जॉब और जो है बड़ी सी फैमिली या एक बॉन्डिंग वाली फैमिली के साथ जीना पसंद है, और दोनों की यही सोच जो है बहुत अच्छा मित्रता बनाती है। यहाँ पर कर्क और वृषभ के अंदर में मित्रता इसीलिए अच्छी होती है। अब बात करते हैं कर्क की कर्क राशि के साथ। कर्क राशि के जातक के लिए उसी राशि के जातक से अच्छा मैच कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्क राशि के जातक आपको हमेशा खुश रखेंगे। दोनों की एक जैसी सोच रहेगी, आप दोनों के लॉन्ग टर्म गोल एक जैसे होते हैं। एक साथ खाना खाना, एक साथ समय बिताना आपको जीवन में खुशियाँ भरेगा। आप दोनों के बीच जल्दी और इमोशनल रिलेशनशिप बन जाता है। आप दोनों ही पैसा कमाना और उसे खर्च करना अच्छे से जानते हैं। तो कर्क राशि वालों का जो बेस्ट मैच है वो कर्क राशि वालों के साथ होता है। अब कन्या भी एक ऐसी राशि है जिसके साथ अच्छा मैच जाता है कर्क का, तो वो भी समझ लेते हैं कि कन्या के साथ कैसा रहता है। कन्या राशि के जातक कर्क राशि के जातक के अच्छे दोस्त होते हैं। आप कन्या राशि के जातक के साथ एक गहरे रिश्ते बहुत जल्दी बना लेते हैं और कन्या राशि के जातक हमेशा आपकी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए कन्या वाले भी आपके अच्छे दोस्त होते हैं। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वो कर्क राशि के साथ में एक अच्छी दोस्ती क्रिएट करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग आपके लिए खुशी लाने वाले या आपके लिए गुड मैसेंजर की तरह होते हैं। आप दोनों जीवन और कार्यों में सार्थकता तलाशते हैं, यानी कुछ मीनिंग तलाशते हैं और मीनिंगफुल चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। आप किसी भी काम को केवल सतही तौर पर करने के बजाय गहराई के साथ करना पसंद करेंगे। आप हमेशा वृश्चिक राशि के जातक के स्वभाव की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि यह आपको पूरा सम्मान देते हैं। यह जातक आपके सहज और नरम स्वभाव को पूरा महत्व देते हैं और इसीलिए इनके साथ जो है आपकी अच्छी मित्रता बनती है। जो मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि के जातकों के साथ जो है आपकी जो बॉन्डिंग होती है वो खुशियों और प्लेजर से भरी होती है। ये लोग थोड़े उत्साही होते हैं तो आपको काफ़ी खुशी भी देते हैं। आप उनके फ्रैंक नेचर से खुश रहते हैं। आप उनकी प्रायोरिटीज़ के सिलेक्शन को पसंद करते हैं। मीन वाले
की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो आपको पसंद आती हैं। मीन राशि के जातक जो है आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की भी काफ़ी तारीफ करते हैं, आप दोनों का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक सेम हो जाता है, इसीलिए मीन वालों के जो जातक होंगे वो आपके साथ काफ़ी अच्छी मित्रता रखेंगे। अब बात करते हैं आपकी दुश्मन राशि की। दोस्तों कर्क वालों की दो राशियां जो है वो थोड़ी विपरीत राशियां हैं, कुंभ और सिंह। कुंभ के हिसाब से देखा जाए तो कर्क राशि के लोग थोड़े विद्रोही स्वभाव के होते हैं, जबकि कुंभ राशि के लोग सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं। आप एक आरामदायक जीवन के शौकीन होते हैं, जबकि कुंभ राशि के जातकों को रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप इमोशनल और काइंड नेचर के होते हैं, जबकि कुंभ राशि वाले लॉजिकल सोच रखते हैं। आप दोनों की सोच में काफ़ी डिफरेंस होते हैं, इसीलिए आपकी दोस्ती में कठिनाइयां बनी रहती हैं। कर्क राशि के शत्रुओं में कुंभ राशि के जातक का नाम होता है और इस बात में बिल्कुल भी दोहराई नहीं, तो इसलिए दोनों का मैच बिल्कुल नहीं होता। कर्क और कुंभ का लंबा चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान इनके साथ रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह की। कर्क और सिंह राशि के बीच तालमेल बैठाना थोड़ा कठिन हो जाता है। कर्क राशि वालों को सिंह राशि के जातक काफ़ी एरोगेंट और ज़िद्दी लग सकते हैं। सिंह राशि के व्यक्ति थोड़े से एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, जो कि आपको थोड़ा परेशान करते हैं, आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रोवर्ट होने से मुझे परेशानी हो रही है। कर्क राशि वाले अपने दायरे में रहना पसंद करते हैं और सिंह राशि वाले एक्स्ट्रोवर्ट होते हैं, अपने दायरे से हमेशा बाहर रहते हैं, इसीलिए आपको सिंह राशि के साथ दोस्ती रास नहीं आती, कभी बनेगी कभी टूटेगी, आपके मन मिलेंगे नहीं, तो इसलिए सिंह राशि वालों के साथ काफ़ी कठिन है दोस्ती करना। सिंह राशि वालों के लिए दोस्ती करने अगर आप जा रहे हैं तो मोस्टली टाइम आपको ही दबना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपकी राशि के बारे में, कर्क के बारे में, कि कौन सी राशियां उनके लिए अनुकूल हैं, कौन सी प्रतिकूल हैं, और कौन सी राशि दोस्तों की तरह हो सकती हैं, कौन सी राशि विपरीत यानी दुश्मनों की तरह एक्ट करेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो ज़रूर करिएगा। फिर मिलते रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।